शिमला से खबर है, खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा ऐलान। विक्रमादित्य सिंह ने खिलाड़ियों के लिए घोषणा की है। एशियन गेम्स में पदक और हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए ये ऐलान। पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 15-15 लाख देगी सरकार। हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को 3-3 लाख रुपए देगी सरकार। कबड्डी टीम में हिमाचल से थे 5 खिलाड़ी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हैंडबॉल टीम में हिमाचल के 7 खिलाड़ियों ने किया प्रतिनिधित्व। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विकसित कर रही सरकार। खिलाड़ियों ने कबड्डी में मेडल्स जीते हैं और इसके अलावा 7 खिलाड़ियों ने हैंडबॉल में देश का प्रतिनिधित्व किया है जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। इन सब खिलाड़ियों को जो विनर्स है, जो मेडल विनर्स है, उनको 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति स्पोर्ट्स पर्सन इनाम दिया जाएगा और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनको 3 लाख रुपए प्रति स्पोर्ट्स पर्सन सरकार की ओर से इनाम दिया जाएगा। हमारा ये प्रयास है कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिया जाए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। मुख्यमंत्री जी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उनके दिशा निर्देश पर हम कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारी कप्तान रितु नेगी जी जो सिरमौर से संबंध रखते हैं और सभी और खिलाड़ियों को जल्द सरकार द्वारा जो है वो सम्मानित किया जाएगा और हमारे ओर से सरकार की ओर से खेल विभाग की ओर से ये प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री जी की ओर से इन सब खिलाड़ियों को उनके हौसला अफजाई के लिए।